सो हेलो गाइस, वंस अगेन वी आर गोइंग टू प्ले ट्रक सिमुलेटर यूरोप। और इस बार आए हम एकदम हॉकाली आइसलैंड में, और आपको हम दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे इस बारी बकचोदी होगी भरपूर। तो चलते हैं सीधा अपने साथियों के साथ और सुनते हैं आगे की भरपूर कहानी। तो देख सकते हैं आप आइसलैंड, और यहाँ पे देख सकते हैं क्या लैंड। अबे लैंड 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 अच्छा, जमीन, हमने और ही कुछ सोच लिया। अबे तुम तो यार हमेशा ही कुछ ना कुछ गलत सोचा करते हो। नहीं यार, गलत नहीं, हमने आपकी बोलने के तरीके में थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अरे इंग्लिश बोलने गुरु, में थोड़ी प्रॉब्लम है मेरी। हमें हमें पता है गुरु जी आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, इसीलिए कहते हैं कुछ अच्छे स्कूल में पढ़े होते तो आज शायद आप यहाँ इंडिया के टॉप वो होते, मतलब इंग्लिश आप स्पीकर। सामने देखिए देखिए कितनी खतरनाक रास्ता है। अरे सामने कोई दिक्कत नहीं यार, हम तो मौत के खिलाड़ी हैं। मौत के खिलाड़ी यहाँ, फिर और क्या, पानी सिर्फ मिलेगा, ठंडी ठंडी पानी मिल सकता है, ठंडा पानी और गर्म आइटम सब मिलेगा यार, तुम टेंशन मतलब चलने दो। ठंड के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे आपको। कैसी बात करते हैं, अभी देखते हैं। यहाँ एक पुलिस वाला भी नहीं मिलेगा। पुलिस चाहिए नहीं वे, हमें गाड़ पर डंडा मार सके। अरे नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं यार, तुम गलत बोलते हो, गलत बोलो कोई बात नहीं। चलिए अगली बार से ऐसा नहीं होगा, पर आपको हम बता दें कि ऐसे वर्ड का हम प्रयोग नहीं कर सकते। और आप देख सकते हैं, लेकिन सीधा चलते हुए भाई साहब कृपया करके सीधा ढंग से चलाइए। दारू पी के ट्रक चला रहा हूं। हार्ट अटैक मुंह पे आने वाला होता है, दिल से अटक कर मुंह में आ जाता है। अरे तुम्हारा गला या फटावास है वे, कैसे क्या करें, किसी ने खीरा दे दिया था सीधा हलक तक दे दिया क्या किसी ने तुम्हें? खीरा अंदर, बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही तुम्हें। खीरा अंदर तक ले लिया था। अच्छा 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 अच्छा, अंदर तक तो सभी लेते हैं। अच्छा, पर मैंने ज्यादा अंदर ले लिया आपने। नहीं, काट सील टूट गया, नहीं खाया ना जल्दी से। हाँ ऐसे ही बड़े बड़े टुकड़े खा लिए मैंने। अच्छा अच्छा, इसीलिए नहीं, मुझे लगता है आपके गले की सील टूट चुकी है, कृपया इसको रिकवर होने में चार। गले की सील भी होती है क्या? जी 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 सर, इनके गले की ऐसा सील कुछ नहीं है भाई साहब। आप क्या जानते हैं कितना मेहनत से मैंने इतने बड़े बड़े टुकड़े अंदर तक लिए थे। अरे हम समझ, आप एक बार झेल कर देखिए। बिना मुंह चोदी के हम नहीं झेल सकते। नहीं हम बिल्कुल भी नहीं झेल सकते हम। अरे भाई साहब, अरे अरे ट्रक 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 मेरा कहाँ जा रहा है, और हम बिल्कुल भी आपके टुकड़े नहीं झेल सकते, क्योंकि मेरे पिछवाड़े में बहुत सीर है, और बहुत भयानक वाली बहुत सीर है। मैं नहीं झेल सकता हीरे खीरे, और आप ही झेले, आपको भी मुबारक हो। चलिए भाई सीधा चलते हुए। हाँ सीधा चल तो रहे हैं, कैसे चले सीधा। और अरे झुका के लेते हैं। हाँ झुका के एकदम, वरना गिर गए अगर ना यहाँ पे तो पलटे रह जाएंगे। इतनी ठंड में कोई भी मिलने वाला नहीं है, फिर एक दूसरे से काम चलाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल एक दूसरे से काम चलाएं, बिल्कुल। भाई साहब रजाई कमर भी नहीं लेकर आए हैं, एक दूसरे से चिपक के सोएंगे मेरे कंडक्टर साहब। और आप देख सकते हैं मौसम कितना हसीन है, यहाँ कोई आइटम होता है कि हसीना, अरे हसीना नहीं आइटम है। यहाँ आग भी नहीं जल सकती, इतनी ठंड हो रही है, क्या करें आज हमने। हम निकालेंगे भी आग, रुक जाओ थोड़ी देर बाद। पाँच मिनट को तुम्हें खांसी जुकाम बुखार आ गया, मुझे लग रहा है तुम कोरोना से पीड़ित, तुमसे दूर रहो, कृपया करके ध्यान दें। आप कोरोना के मरीजों से बच करें, हाथ दिन में 10 बार नहीं 50 बार धोए, सैनिटाइजर ना हो तो घड़ी साबुन से धो लें, कोई जबरदस्ती नहीं। और हमारा ट्रक देखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा ड्राइवर को, हमारे फंस गया फंस गया। मैं 2 मिनट के लिए पीछे क्या गया, तुमने फांस दिया मेरे ट्रक को। अबे हम तुम्हें फांस दिया 2 मिनट में, ट्रक तो ट्रक है बे, क्या बात। अच्छा हुआ ऐसा हुआ, और ये क्या अच्छा हुआ, ये कहिए पलटा नहीं। निकालिए इसे यहाँ से, निकालिए आप। निकाल तो रहा हूँ मैं, निकला निकला। अब आपके बस की बात नहीं लगती मुझको। अरे हमने अच्छी अच्छी मुझे ड्राइवर चेंज करना पड़ेगा। अब ड्राइवर को गोली मार, यहाँ कोई भी नहीं मिलेगा बेटा तुझे हमारे अलावा। पर खैर तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे गंजेड़ी जो ड्राइवर थे उन्होंने ट्रक को दिया है पेल, और अब ये किसी कीमत पे निकलने वाला तो गाइस नहीं है। हम कितना भी इसमें जोर लगा लें कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं भरपूर सामान लेकर आऊंगा जिससे मैं उठा दूं ट्रक को। तो अब इनकी मुचोदी के चक्कर में भी इनकी होगी तो भरपूर पलैया, और इस ट्रक के लिए अब हमें बुलाना पड़ेगा क्रेन को। तो अब एक ही ऑप्शन बचा है, आप देख सकते हैं मैंने पूरी पावर लगा दी है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। इसीलिए तो मैं कह रहा था ठंडियों में मर जाओगे। कुछ नहीं, गरम आइटम मंगाओ। और आप देख रहे हैं जैसे इनकी बकचोदी अभी भी चल रही है, तो इनके लिए सरिया बिल्कुल गर्म की जा चुकी है। तो अब ये वीडियो आप ऐसा मत बोलिए, हम भागे जा रहे हैं।
पैदल। तो क्रेन बुलाते हैं और फिर बातचीत करते हैं आपसे इस वीडियो के लिए, बस इतना ही। आशा है आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।